सील बरसाते में शुरू हो गई है जय और आराधना की संगीत सेरेमनी, लेकिन वहां भी ट्विस्ट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हां, आराधना को रियांश देख लीजिए कैसे मना रहे हैं, और फिर आराधना और रियांश ने ली एक साथ एंट्री। वेल, ये सीन तो समझ के परे है, जो आराधना रियांश से नफरत करने लगी है वो खुद रियांश के साथ एंट्री ले रही है, वो भी अपने संगीत में। वेल, ट्विस्ट यहाँ खत्म नहीं हुआ है। आराधना और रियांश को साथ देख जय को आया रियांश पर गुस्सा, लेकिन आराधना ने रोक लिया जय को। वहीं आराधना ने अपने संगीत में बजाया खूब ढोल और सबको कहा कि ये हॉल भी आज रियांश ने खरीद लिया है और ये कॉलोनी भी, पर वो हर चीज खरीद सकता है सिवाय मेरे। और फिर आराधना को आ गए चक्कर। फिर कुछ ही देर में शुरू हुआ संगीत, जहां रियांश भी नजर आए, क्योंकि इस हॉल के जो मालिक हैं वो वही हैं। सब तैयार है जय आराधना के संगीत के लिए। वेल, वेडिंग के हर एक रिचुअल में रियांश का एक नया ड्रामा देखने को मिल रहा है। आखिर रियांश इतनी आसानी से आराधना को जाने नहीं देंगे, उसी के लिए वो इतनी मशक्कत भी कर रहे हैं। पर आराधना तो सुन ही नहीं रही है, और उल्टा धीरे धीरे उनके मन में रियांश के लिए नफरत बढ़ती ही जा रही है। अब कहानी तो बहुत ही चेंज हो गई है। अब देखना ये है कि कैसे रियांश आराधना को अपना बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह दिया है कि भले ही सगाई और मेहंदी सब तुम्हारी जैसे हो रही है, लेकिन शादी तुम्हारी मेरे से ही होगी। अब देखते हैं आगे होता क्या है। वेल, आप क्या कहना चाहेंगे करंट स्टोरी लाइन के बारे में, बताएं हमें कॉमेंट में। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।